आगरा के बलकेश्वर पार्वती घाट स्थित सकारात्मक भवन में शनिवार को अखिल भारत हिंदू महासभा व राष्ट्रीय जागृति मंच के पदाधिकारियों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शुभारंभ ब्रज प्रांत अध्यक्ष मनोज शर्मा ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ब्रज प्रांत अध्यक्ष मनोज शर्मा, समाज सेवी कुंदनिका शर्मा, कुमकुम शर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, ब्रज प्रांत कोषाध्यक्ष उमाकांत मिश्रा मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि होली मिलन समारोह में शहर के प्रमुख समाज सेवी एवं पदाधिकारियों व मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। समारोह में ब्रज की होली का कार्यक्रम में बोदला निवासी विद्या शर्मा एंकर द्वारा फूलों की होली, मयूर नृत्य व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। विद्या शर्मा शहर से लेकर विदेश में भी अपना कार्यक्रम कर चुकी हैं। समारोह में महिला जिलाध्यक्ष पूजा अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, दीपिका वर्मा, अंजू गोयल, श्वेता शर्मा, प्रीति मीरा पांडे, रंजना अग्रवाल, रचना राधा गोयल, आरती अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, समाज सेवी कुंदनिका शर्मा, दामोदर सेवा समिति संस्थापिका आशा अग्रवाल, कुमकुम शर्मा, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, व्यापार जिला अध्यक्ष अजय गोयल, राजकुमार दिवाकर, अजय अग्रवाल, अवधेश अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, अर्पित गर्ग, दीपक गुप्ता, अमित गोयल, अमित अग्रवाल, नितिन गोयल, राहुल अग्रवाल, हरिनिवास, अर्पित वर्मा, जय प्रकाश सिंह, राजेश सिंह, शुभम सिंह, राजकुमार, रामकेश दिवाकर, भास्कर राजकुमार, नवल सिंह, मानवेंद्र सिंह, प्रतीक अग्रवाल, अमन ठाकुर, राजकुमार दिवाकर, सचिन गोयल, प्रतीक अग्रवाल, गुड्डू, तनुजा मित्तल, अनुज सिंघल, मिनी मित्तल, प्रियंका अग्रवाल, शिवानी गर्ग, श्वेता शर्मा, राधा अग्रवाल, सुषमा गुप्ता, मीरा पांडे, जीतन देवी, दीपिका वर्मा, रचना देवी, अंजू सिंघल आदि मौजूद रही। जिला आगरा से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। ठीक, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए प्रतिज्ञा लेकर हमारा प्रयास ये पूर्ण विश्वास है कि हम हमारे जो भी हिंदुत्ववादी संगठन है वो सहयोग अगर जारी रखेंगे धीरे धीरे से तो जल्द ही हम अपना संगठन के द्वारा जो ज्ञापन देने जा रहे हैं 13 अप्रैल को मोदी जी के प्रसाद उसमें विश्वास है कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करते ही रहेंगे। इसी के लिए हम सारे समाज से, हिंदू समाज से और सभी से आग्रह करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर आपसी मत भेद मिलाते ये होली का त्यौहार है, इसलिए ये रंग लाल हरण मेरे जैसे मतभेद मिलाते हर किसी के चेहरे पर रंग नहीं करते हैं, ऐसे ही हम सभी मतभेद मिलाते अपने आप से एक हिंदू राष्ट्र की जनता के साथ आगे ठीक। वैसे तो एक होली मिलन समारोह है और यहाँ पे हम ना कोई राजनीति करने आए और हमारे सबसे ये इस कार्यक्रम को रखने की एक खास वजह ये थी क्योंकि यहाँ पर अखिल भारत का नाम तो काफ़ी सालों से चल रहा है लेकिन कुछ कारणवश इस संगठन में कुछ गलत एलिमेंट भी आए जिनकी वजह से संगठन को काफ़ी हानि पहुँची। हम आगरा को एक ऐसा संगठन देना चाह रहे हैं जहां हर भाई हमारे संगठन को सम्मान की नज़र से देखे और हमारा मुख्य उद्देश्य तो हमारा हिंदू राष्ट्र सपना है, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक सपना है जिसके लिए हम 13 अप्रैल को जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे हैं जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया है, जहां हमारा 10,000 करोड़ हस्ताक्षर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करके लगभग इकट्ठे किए हैं। कुछ कम रह गए हैं, कुछ चल रहा है काम, लेकिन 13 अप्रैल से पहले हम लोगों का ये मिशन पूरा होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यहाँ पर होली मिलन समारोह था, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम विद्या शर्मा है, मैं डी रेडियो में हम काम करते हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग होली मिलन समारोह में हमारे साथ जुड़े, मिले, जॉइन किया। और मैं यही चाहूँगी कि आगे इसी तरीके से हमें काम मिलता रहे। करीबन 12 साल मुझे हो गया और यही कार्यक्रम नहीं, मेरा काम सिंधी, हिंदी, पंजाबी, आपके फोक कार्यक्रम एंड जितने भी शादी के जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे प्रस्तुति हम लोग देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन के साथ देते हैं कि किसी भी चीज़ में ना कोई भी गलती हो। और आई होप कि आप लोगों की और हमने आज कार्यक्रम आपने कभी बाहर कार्यक्रम किया? हाँ, मैंने आगरा के बाहर ऑल ऑफ इंडिया तो किया ही है, दो बार हम लोग।